हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2023 को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर वेट कर रहे हैं कि आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ जाए। तो इसी क्रम में पीएनपी सचिव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डेट को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड और वीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। जिन भाई बहनों को ऑलरेडी ये अपडेट मिल चुकी है और इन्हें जानकारी पहले से है, वो स्टूडेंट्स वीडियो को ना देखें। हमें पता है आप लोग ज़्यादा चालाक हैं, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को ना देखें। जिन भाई बहनों को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग वीडियो को एक बार देख लें। यूपी में डीएलएड आवेदन की जो वेबसाइट है वो लड़खड़ा गई थी और लास्ट डेट 21 अगस्त थी, और 21 अगस्त तक काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका फॉर्म अभी अधूरा है, फॉर्म फिल नहीं हो पाया। इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी फॉर्म फिल करना चाहते हैं लेकिन लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ेगी, तिथि मतलब डेट आगे बढ़ेगी, और इसके लिए पीएनपी सचिव जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसका जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया। बहुत जल्दी आपके लिए जो यूपी डीएलएड आवेदन करने की वेबसाइट है उसे ओपन कर दिया जाएगा। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। डीएलएड वीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो हम आपके लिए बिना पूछे लेकर आते रहते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आप डीएलएड वीटीसी से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वीटीसी डीएलएड से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले मिलती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स डीएलएड वीटीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिनका फॉर्म अधूरा रह गया है या जो बिल्कुल भी अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन सभी को एक मौका जरूर मिलेगा आपका फॉर्म फिल करने के लिए। डीएलएड वीटीसी के में एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट में दिक्कत के कारण अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे। जो आवेदन कर चुके हैं उनमें से कई अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह पूर्ण आवेदन के बाद प्रिंटआउट भी नहीं निकल पा रहा था, तो आवेदन काफ़ी ज़्यादा कम हुए थे और ऐसे में डेट दो बार बढ़ाई गई थी। तो अभी एक बार फिर से आपके आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई जाएगी। अब इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की ओर से जो तिथि है, तिथि को ही क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो तिथि है ये आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर देख लीजिए, तिथि आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। शासन मतलब योगी जी जैसे ही अब इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा देंगे, स्वीकृति दे देंगे, वैसे ही आपकी जो यूपी डीएलएड की वेबसाइट है वो दोबारा से ओपन कर दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 233,350 सीटें हैं जिन पर एडमिशन होगा, और इन 233,350 सीटों में लगभग 8 से 10 हज़ार सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्ट कॉलेजेस में हैं, तो इन सीटों पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बाकी 223,000 के समथिंग ये प्राइवेट कॉलेज में सीटें और 8 से 10 हज़ार आपकी डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं। अब स्टूडेंट्स के आवेदन करने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम होगी, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में, उनको अब डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, जिस वजह से कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अब जो संख्या है वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीएड के काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब डीएलएड करना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर भी आपको बता चुके हैं और डेली आपको ये चीज़ बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और आप अपनी जो परसेंटेज है उसे किस तरह से कैलकुलेट करके अपनी मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार करते हैं, पीएनपी की जो स्टेट रैंक है वो कैसे बनाई जाती है, तो इस बारे में भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनती है और कैसे आपको गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्ट कॉलेज आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल डीएलएड वीटीसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक बार कम से कम आगे जरूर बढ़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मायूस ना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डेट बढ़ाने के संबंध में, हम वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत जानकारी दे देंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।